हेलो माय डियर स्टूडेंट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द न्यूक्लियस इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द यू सेल ये न्यूक्लियस का डायग्राम हो गया है ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है ये अंदर न्यूक्लियो है और ये न्यूक्लियोलस है चलिए स्टार्ट करते हैं अपन व्हाट इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस वो सबसे पहले As a cell, बोलती रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन उसको एज ए सेल ऑगनल डिस्कवर्ड करा था क्लियर हो गया इन ऑर्किड रूट एज अटीन थर्टी वन जबकि न्यूक्लियस सेल का कंपोनेंट है इसको सेल सेलोनिल नहीं बोलते हैं लेकिन एज ए सेलोनिल रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर करा था हैमरलिंग साइंटिस्ट थे एक्सप्लेन न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल हैमरलिंग ने सबसे पहले बताया था कि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल रूम है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है इसलिए इसको सेल का कंट्रोल रूम कहते हैं क्लियर हो गया तो ये एसर्सन बन गया न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल रीजन हो गया बिकॉज इज कंट्रोल द मेटा बॉलिज्म वेन ई वर्किंग ऑन ए एसिटा बुलेरिया एलगी हैमर लिंगनेस को एसिटा बुलेरिया एलगी पर ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करा था कि न्यूक्लियस सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एसिटा एक ग्रीन एलगी है जो यूनिसेलर है स्ट्रेस बर्गर ने बताया था कि न्यूक्लियस अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस ये थोड़ा कंफ्यूज करता है से वर्चाओ ने बताया था सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल स्ट्रेस बर्गर ने बोला न्यूक्लियस अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग जो न्यूक्लियस स्टडी करेंगे वो इंटरफेस का न्यूक्लियस होगा इंटरफेस का न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडेड जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो उसके सेल को हम इंटरफेस का न्यूक्लियस कहते हैं और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इंटरफेस का न्यूक्लियस मेटाबॉलिक एक्टिव होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कैरियोथिका बोलते हैं न्यूक्लियस की स्टडी को हम कैरियोलॉजी बोलते हैं बोलते हैं कैरियोलॉजी दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियर लेमलिन ये डबल स्ट्रक्चर हो गया है ना यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन इसको लेम बोलेंगे अंदर के न्यूक्लियो को न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलेंगे ये धागे दिख रहे हैं ये क्रोमेटिन हो गया और दिस इज द न्यूक्लियोलस चलिए अब वन बाई वन सब पढ़ते हैं चलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज ए डबल मेमिन स्ट्रक्चर बोथ दिन अरेन्ज इन ए पैरल मैनर विथ द स्पेस बिटवीन टेन टू फिफ्टी माइक्रोन एनसीआरटी का डाटा है कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियस स्पेस अब डायग्राम में देखिए ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो एक दूसरे के पैरल अरेंज है इनके बीच का गैप कितना है दस से पचास माइक्रोन इसी को नाम दिया गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस ये नाम दिया पेरी न्यूक्लियस ये आउटर मेम्ब्रेन है वाली क्या होगी इनर में में, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेमेन हो गई ठीक है यहाँ पे प्रोटीन है साइटोप्लाज्म मतलब ये सेल हो गई सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया तो ये साइटोप्लाज्म हो गया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बैरियर का, का काम कौन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या अंदर जाना है क्या बाहर आना है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है आउटर मेम्ब्रेन इज यूजली रिमेन कंटिन्यूस द ईआर आल्सो बियर द राइबोसोम। ये जो आउटर मेम्ब्रेन फोल्ड होके ईआर बनाती है उस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो बोथ द मेम्ब्रेन फ्यूज एट द सम पॉइंट एंड फॉर्म द माइन्यूट पोर नोन एज न्यूक्लियर पोर अब ये जो आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन कुछ जगह पे आपस में फ्यूज हो गई है जैसे पीछे देखा था ये डायग्राम में ये फ्यूज हो गई है फ्यूज होने से गैप बन गया इस गैप को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पोर क्या बोलते हैं इनको न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ठीक है इन एनिमल सेल कॉम्प्लेक्स पोर नोन एज एन्युल एट प्लस वन ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये एट प्लस वन है एट पोर बाहर में और एक अंदर में एट प्लस वन स्ट्रक्चर हो गया पोर ऑकुपाई द इलेवन परसेंट वॉल्यूम ऑफ द टोटल टोटल न्यूक्लियर में जो पोर होते हैं ये इलेवन परसेंट वॉल्यूम घरते हैं प्रोटीन मालिक्यूल टेक प्लेस इन बोर्थ द डायरेक्शन है ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाम्स के बीच में अगर ये साइटोप्लास हो गया तो यहाँ से आर एन ए अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा और ये आर कौन सा होगा राइबोसोमल या फिर टी ऐसे प्रोटीन भी अंदर जाएगी और प्रोटीन भी बाहर आएगी क्योंकि एनसीआर बोलती बोथ द डायरेक्शन न्यूक्लियर मेमिन का काम क्या होता है प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम जैसे सेल हो गई ये न्यूक्लियस हो गया है ना न्यूक्लियस को ये प्रोटेक्ट करेगा किससे साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से साइटो ये साइटोप्लाज्म के एंजाइम अंदर के डीएनए को डैमेज कर सकते हैं इसलिए क्या बनाई गई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं इट इज फाइब्रस प्रोटीन अकर ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस फाइब्रस प्रोटीन है न्यूक्लियर लेमिन अगर ये न्यूक्लियस की इन्वॉल्व हो गया क्रोमोज इन प्रोफेस अभी जो प्रोटीन है ये तो पोर हो गया जो 11 है जो इलेवन परसेंट वॉल्यूम घिर रहे हैं न्यूक्लियस का अब यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन लगी है अब इंदर इसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड है ऐसा कटोरा ऐसा दिख रहा है और इस कटोरे के अंदर ये समझिए मैगी ऐसा कुछ भरा हुआ है जो इस न्यूक्लियर से बाइंड है मैंने बताया था आउटर मेमिन फोल्ड होके ई आर बना रही है है ना जिसपे क्या लगे राइबोसोम अब इसके अंदर ये जो फ्लूड है कटोरे के अंदर जो, जो फ्लूड है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियो प्लांट क्या बोलेंगे ये एसिडिक फ्लूड है इसमें साइक्लोसिस अपसेंट है यानी कोई भी मूवमेंट नहीं है स्टैटिक कंडीशन में है न्यूक्लियो में कोई भी मूवमेंट तो नहीं है अब न्यूक्लियो के अंदर क्या है डीएनए आर स्टोन एंड नॉन स्टोन मिनरल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइड एंजाइम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ये सब न्यूक्लियो के अंदर कटोरे के, के अंदर हमने बताया था मैगी ऐसा भरा हुआ है और पूरा न्यूक्लियो है जिसको हम बोलेंगे डीएनए आर स्टोन नॉन स्टोन इसको हम क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब स्टोन और नॉन स्टोन ये इंपॉर्टेंट है अब न्यूक्लियो प्लांट जो स्टोन होता है ये बेसिक प्रोटीन होता है एसिडिक प्रोटीन होता है एसिडिक क्यों होता है क्योंकि इसमें टायरोसिन और अमीनो एसिड है ये बेसिक प्रोटीन क्यों है क्योंकि इसमें लाइसिन और आर्जिन अमीनो एसिड है स्टोन का बेसिक काम क्या है सप्रेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जबकि नॉन स्टोन का काम क्या है स्टूमुलेट इंफॉर्मेशन ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है फंक्शनल प्रोटीन नॉन स्टोन एक फंक्शनल प्रोटीन है मतलब ये एक्टिवेट करेगी यह टोटल प्रोटीन प्रोटीन का 40 है, ये का 60%, ये S5 टाइप का है है टोटल एस टाइप टाइप और के होते हैं स्टोन फाइव टाइप के होते हैं नॉन स्टोन सिक्स टाइप के होते हैं है। अब अपन आते हैं न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइट एसीटोकार्बाइन एसिटोकार्माइन से न्यूक्लियस को स्टेन करा गया अब ध्यान ध्यान समझिएगा जो भी स्ट्रक्चर बेसिक होता है वो एसिड से स्टेन होता है किससे स्टेन होता है एसिड जो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेसिक एसिड से स्टेन होगा तो एसिटोकार्माइन एक एसिडिक स्टेन है है ना जिससे अंदर कलर आया उसको क्या बोला क्रोमेटिन क्रोमेटिन टर्म गिवेन बाई फ्लेमिंग ये दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोर हो गया है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई ये पूरा क्रोमेटिन भरा हुआ है जो आपको लग रहा है मैगी ऐसा ये लगभग दो मीटर लंबा धागा है दो मीटर लंबा ना धागा सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर है इसीलिए हाईली क्वाइल है इसलिए मैंने बोला ये मैगी ऐसा दिखाई देगा है ना अब जब क्रोमेटिन में क्या क्या होता है डीएनए आरएनए स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन इनसे मिलके क्रोमेटिन बना हुआ है जब क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होता है डार्क एंड लाइट में क्या होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है जिसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन और हेट्रोकोमेटिन यू क्रोमेटिन और हेट्रोकोमेटिन बोलते हैं जब इसको मैंने स्टेन करा यू क्रोमेटिन जो होता है वो लाइट कलर का होता है हेट्रोकोमेटिन डार्क कलर का होता है सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सिमेटली टू मीटर लॉन्ग डीएनए टू मीटर लॉन्ग क्रोमेटिन है जो की फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. है ना क्रोमेटिन की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोजोम यानी बहुत सारे न्यूक्लियोजोम मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं जिनको हम एनयू बॉडी भी कहते हैं किनको न्यूक्लियोजोम अब देखिए डीएनए हेलिक्स है इस डीएनए हेलिक्स में स्टोन जुड़ गया स्टोन जुड़ने से बन जाता है न्यूक्लियोसोम, है ना बनता है क्रोमेटोसोम, क्रोमेटोसोम से क्या बनता है सोलेनोइड सोलिनोइड क्वाइल होता है तो क्या बन जाता है क्रोमेटिन ये क्या बन गया अपना क्रोमेटिन क्लियर चलिए आगे चलते हैं अब यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन था उसको डिफ्रेंशिएट करा यू क्रोमेटिन फैला होगा डिफ्यूज होगा जबकि ये कैसा होगा कंडेंस फॉर्म में हेट्रोक्रोमेटिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा यू क्रोमेटिन में हेट्रोक्रोमेटिन में अबसेन्ट है यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर मिलेगी हेट्रोक्रोमेटिन में अपसेंट है क्योंकि एक्टिव जीन नहीं है लेस एक्टिव जीन है यहाँ क्या है मोर एक्टिव इसीलिए मोर स्टेबल है इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी चेंज नहीं होती है इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी चेंज हो जाती है ये अर्ली एस फेस में डिवाइड करेगा कौन यूक्रोमेटिन ये लेट एस फेस में एस फेस अपन पढ़ते हैं सेल साइकिल में नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये न्यूक्लियस का डायग्राम हो गया ये पेरी न्यूक्लियस स्पेस है जो 10 से 50 माइक्रोन का गैप दिखाता है न्यूक्लियोप्लाज्म को एमआरएनए टीआरएनए राइबोसोमल आने सब मिलेंगे ये क्रोमेटिन है जो कुछ जगह पे ज्यादा डार्क होगा इसको हमेट्रो क्रोमेटिन बोलेंगे और जो फैला-फैला दिख रहा है ये धागा ऐसा ये क्या हो गया तो दिस इज द दोकोमेटिन ये भी हेट्रोकोमेटिन हो गया ये न्यूक्लियो है एसिडिक है ये इसका न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियोलस जो है राइबो आने की करता है राइबोसोमल की करता ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन हो गई आउटर ईआर ER से अटैच्ड है चलिए आगे चलते हैं अब न्यूक्लियोलस की बात करते हैं न्यूक्लियोलस इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियो ये जो न्यूक्लियोलस है इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसीलिए न्यूक्लियो से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोलस इज ए मेम्ब्रेन लेस आ गया डीएनए लेस ए स्ट्रक्चर जब कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसका शेप फिक्स नहीं होगा इसलिए इसको बोला ए स्ट्रक्चर ठीक है और ऑर्गेनाइज अराउंड द एनओआर अभी एनओआर क्या है धागा दिस इज द क्रोमेटिन थ्रेड इसमें एक पॉइंट हो गया इसको बोलेंगे एनओ आर क्या बोलेंगे इसको में राइबोसोमल आरएनए की information. किसकी इंफॉर्मेशन है राइबोसोमल आरएनए की एनओ तो आर के चारों तरफ ही क्या बनता है न्यूक्लियोलस क्या बनता है इसलिए बोलते हैं एनओ आर इज द न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन साइज ऑफ द न्यूक्लियोलस डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन क्यों क्योंकि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं राइबोसोम की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होगी जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इसलिए जिस सेल में प्रोटीन ज्यादा चाहिए वहां राइबोसोम ज्यादा होगा राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो हमें न्यूक्लियस बड़ा करना पड़ेगा जिससे ज्यादा ज्यादा क्या बने राइबोसोम इसलिए न्यूक्लियस को बोलते क्या है राइबोसोम फैक्ट्री क्या बोलते हैं इसको राइबोसोम

और इस आरने में प्रोटीन बाहर से आएगा जब प्रोटीन बाहर से आएगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोलस और इसको बोला राइबोजोम की फैक्ट्री फैक्ट्री ऑफ राइबोजोम नेक्स्ट पेज पे आते हैं आपको न्यूक्लियस कैसा लगा सब्सक्राइब करें लाइक करें और फीडबैक जरूर दें कमेंट के फॉर्म में ओके बाय